होंडा एक्टिवा ये एक ऐसा स्कूटर है जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी बेस्ट सेलिंग है। इस स्कूटर ने हीरो स्प्लेंडर को तक को टक्कर दिया है बेस्ट सेलिंग की लिस्ट के अंदर। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तो आपको बता दूँ कंपनी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है, उसमें उन्होंने बताया है कि इसका इलेक्ट्रिक वर्जन इंडियन मार्केट में आ सकता है और वो उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से काम चलेगा उस हिसाब से वो बोलेंगे ना, इसीलिए इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूँगा। और वैसे मैं बता दूँ होंडा एक्टिवा को आप लोग CNG में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए किट आती है लवर्टो कंपनी के नाम से, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं आई बटन में दे दूंगा, आप लोग वो जाके देख सकते हो कि कंपनी ने क्या बोला था और इसकी माइलेज कितनी होती है लगाने के बाद। बाकी वापस आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं आपको बता रहा था कि होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक वर्जन में आने वाली है या आ सकती है, इस साल नहीं आएगी, आने वाले सालों के अंदर आएगी, क्योंकि अभी इस पर काम चल रहा है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिल सकता है और इसके जो प्राइस है और इसके जो कॉम्पिटिटर है, कौन कौन सी कंपनी है या कौन कौन सा स्कूटर है, उन सब के लिए मैं बताऊंगा मैं। तो अगर आप लोगों को जानना है होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक वर्जन के बारे में तो इस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक का इंडिया में काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे और काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और इसका जो पेट्रोल मॉडल है अपने सेगमेंट के अंदर बेस्ट सेलिंग मॉडल है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, और कंपनी हर महीने इस स्कूटर के लाखों यूनिट बेचती है। और आप लोगों को ये पता होगा इंडियन मार्केट में स्कूटर सेगमेंट के अंदर होंडा एक्टिवा कितना बड़ा नाम है, और ये सालों से स्कूटर मार्केट में सबसे आगे है और बेस्ट सेलिंग भी है। और जब से लोगों का इलेक्ट्रिक की तरफ जो रुझान है वो बढ़ा है और दिलचस्पी बढ़ी है, तब से जो होंडा एक्टिवा के कस्टमर्स हैं उसके इलेक्ट्रिक वर्जन में आने की वेट कर रहे हैं। बीते कुछ महीनों के अंदर बड़ी बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चर कंपनी जैसे हीरो मोटोकॉर्प, सुजुकी और यामाहा ने इलेक्ट्रिक स्कूटर स्पेस में एंट्री करने की प्लानिंग का खुलासा कर दिया है कि ये लोग अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने वाली इंडियन मार्केट में, और बहुत ने तो ला भी दिया है। और अब इस रेस के अंदर होंडा कंपनी भी शामिल होने वाली है, वो अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने वाली है जो कि होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक। क्योंकि होंडा मोटरसाइकिल के जो अध्यक्ष हैं अत्सुयोशी ओगाटा, उन्होंने हाल ही में एक मीडिया में बताया है और इस बात की कंफर्मेशन की है कि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में उतरने के लिए जो उनकी प्लानिंग और R&D है वो कर रही है, और आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर सकती है, मतलब प्रेजेंट कर सकती है। और एक मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले साल पुणे के अंदर होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक को टेस्टिंग में देखा भी गया, जो कि देखा गया था ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया में इसकी फैसिलिटी के अंदर, मतलब AI के अंदर, जो कि इसकी माइलेज को अप्रूवल देती है गाड़ियों की या बाइक की। कंपनी का ये भी कहना है वो इस बात के लिए काफ़ी क्लियर है कि उसका जो होंडा का मार्केट है इंडिया के अंदर वो B2B के लिए नहीं बनाएगी, मतलब बिजनेस टू बिजनेस नहीं बनाएगी, वो B2C करेगी, बिजनेस टू कस्टमर डायरेक्ट। और इसके साथ ही वो होंडा इलेक्ट्रिक के अंदर बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करेगी, और उसके लिए होंडा कंपनी ने एक नई कंपनी बनाई है जिसका नाम है होंडा पावर पैक एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। होंडा एक्टिवा कंपनी की तरफ से इंडियन मार्केट में बेस्ट सेलिंग मॉडल है, जैसे आपको मैंने अभी बताया। वो जो होंडा कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी उसको होंडा के नाम से ही लॉन्च करेगी और उसका ही नाम यूज करेगी, ताकि उसके जो लॉन्च करने के बाद कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। अभी जो इंडियन मार्केट में करंटली अवेलेबल है इलेक्ट्रिक स्कूटर वो है बजाज चेतक, TVS के iQube, ओला की S1, एथर एनर्जी की Simple 1, और भी बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज कार कंपनी हैं वो भी बेच रही हैं। तो जैसे ही होंडा कंपनी आएगी तो ये उन सबको, मतलब इन सबको टेक ओवर कर लेगी, और लोगों का रुझान होगा इसकी तरफ होगा, होंडा एक्टिवा की तरफ इसके आते ही। अगर एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो आने वाली जो होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक है इसके अंदर कंपनी स्वैपेबल बैटरी लगाएगी, मतलब ऐसा सिस्टम लगाएगी बैटरी खत्म होने पर आप बैटरी बदल के निकल जाओ तुरंत, जैसे कि बाउंस कंपनी अपनी इन्फिनिटी स्कूटर के अंदर करती है। फिलहाल अभी तक एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में ज़्यादा डिटेल आई नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि इंडस्ट्री में सबसे बेहतर ड्राइविंग रेंज और किफ़ायती कीमत में कंपनी से लॉन्च करेगी, और इसकी जो कीमत हो सकती है वो तकरीबन 1,00,000 से 1,25,000 के बीच में हो सकती है, क्योंकि इसी रेंज में बाकी स्कूटर आते हैं, चाहे आप TVS iQube पकड़ लो, चाहे ओला S1 पकड़ लो, चाहे एथर एनर्जी के पकड़ लो, तो इसी रेंज में कंपनी को लॉन्च करना पड़ेगा, इससे भी कम में लॉन्च करना पड़ेगा। ये तो बाकी देखने वाली बात है कि कंपनी आगे अपडेट कर देती है। और अगर आपको इसके बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भैया आपको लाल बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब वाला, तोड़ो तो कबड्डी खेलो कुश्ती खेलो। तो अब होंडा कंपनी भी अब इलेक्ट्रिक वर्जन उतारने वाली है होंडा एक्टिवा का, क्योंकि वो उसकी सबसे बेस्ट सेलिंग गाड़ी है या बेस्ट सेलिंग स्कूटर है, क्योंकि लोग ऑब्वियसली बात इसको पसंद करेंगे, क्योंकि जब से आई है, मतलब जैसे इंट्रोड्यूस हुई थी इंडियन मार्केट में, तो लोग उसको काफ़ी पसंद करेंगे, क्योंकि इसकी जो बॉडी है मेटल की है, बाकी एज कम्पेयर टू अदर कंपनी वो फाइबर बॉडी निकालती है जो जल्दी टूट जाती है, इसकी बॉडी लंबे समय तक चलती है, सिर्फ डेंट पड़ता है, इसलिए लोग इसे ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं, क्योंकि भैया मेटल बॉडी मिली होगा चाहिए। तो अब इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी आने वाला है, तो अगर आप लोगों को इसके बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भैया जो लाल बटन दिख रहा है तो सब्सक्राइब वाला उसे तोड़ दो, कबड्डी खेलो कुश्ती खेलो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं रेगुलर से डालता रहता हूँ, और जैसे ही मेरे पास पहुँचती है मैं तुरंत आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को इस बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी अगर आपको वॉइस का रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो
आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से वीडियो चलेगी मीटिंग लगी तो आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।